अब जानते होंगे कि ये मुझे शोएब ने भेजे। कल मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया ना, मैं आप लोगों को ना दिखा पाई ना कुछ, जो मैं स्पेशल चीज़ के लिए रेडी हुई थी वो क्या है अब तक सब आप पता चल चुका होगा। एंड आई थिंक ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्वीट जेस्चर था शोएब का और सबा की सजेशन, तो थैंक यू सो मच। ये इतना 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 अच्छा लग रहा है। आ गए हमारे ड्रेस दादा, इनका नाम है संदीप दादा और ये मेरा आज का आउटफिट लेके आए। लाइए दादा जी। थैंक यू। फैंस के मन में उठे सवाल, दीपिका शोएब बेबी शावर सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे। इब्राहिम फैमिली में हर फंक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया जाता है, आप सभी जानते होंगे, और बेबी शावर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और बहुत जल्द आप देखने वाले हैं बेबी शावर सेलिब्रेशन का व्लॉग। आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले शोएब और दीपिका ने एक नया घर लिया है और अब उनका घर बन गया है 5BH का। और शोएब इब्राहिम और दीपिका चाहते हैं कि जल्द से जल्द घर का काम कंप्लीट हो और वो अपने नए घर में करें बेबी शावर सेलिब्रेट। यही वजह है कि जो बेबी शावर में देरी हो रही है। कुछ ऐसे हेटर्स हैं जिनका कहना है कि दीपिका अपने बेबी बम को लेकर काफी शो करती है, दीपिका को काफी ट्रॉल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और दीपिका को लेजी लेजी भी बताया जा रहा है कि दीपिका बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में ड्रामा कर रही है कि मुझे ये नहीं पच रहा है, मुझे ये मुझे वो ना जाने क्या क्या। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे। दीपिका बिल्कुल भी शोबाजी नहीं कर रही है, दीपिका को प्रॉब्लम है तभी वो अपने फैंस के साथ शेयर करती है। दीपिका एक एक्टिव लेडी है। अब आपसे ज्यादा चाहते हैं, वीडियो पसंद आया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दो में याद रखिएगा अपना बहुत ज्यादा करिएगा। अल्लाह हाफिज़।